गंगा एक्सप्रेसवे के लिए शासन से मांगे 13 करोड़। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। ये खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीनों का अधिग्रहण अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब केवल 7% भूमि का अधिग्रहण बचा हुआ है। इसके लिए शासन से 13 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। पूर्व में इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शासन को डिमांड भेजी गई थी। बजट न मिलने के बाद अब इसके लिए रिमाइंडर भेजा जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 34,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। हापुड़ में यह हाईवे 29 गांवों से होकर निकलेगा। इसमें हापुड़ तहसील के 7 और गढ़मुक्तेश्वर के 22 गांव शामिल हैं, जिसकी लंबाई यहां 32 किलोमीटर है। किसानों से इस हाईवे निर्माण के लिए 418 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए 765 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। शासन द्वारा इस धनराशि के सापेक्ष अधिकतर बजट जारी किया जा चुका है। यूपीडा द्वारा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अधिग्रहण की बात करें तो जिले में 93% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 7% अधिग्रहण ऐसा है जिसे लेकर के कोई ना कोई विवाद है। जिला प्रशासन इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। करीब 28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ही शेष बचा है, जिनमें से कुछ बैनामी हाल ही में हुए हैं। किसानों को मनाने के लिए कमेटी गठित की हुई है। जो लोग बैनामा नहीं कर रहे, उनका तर्क था कि उन्हें स्थानीय सर्कल रेटों के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इन किसानों को मनाने के लिए सामाजिक सभाकार आंकलन समिति गठित करके शासन ने भेजा था। फिलहाल जिला प्रशासन के पास किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए 7 करोड़ की धनराशि और 13 करोड़ की धनराशि की दरकार है। इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है ताकि बाकी भूमि का भी अधिग्रहण जल्द से जल्द किया जा सके। एडीएम श्रद्धा शांडल्यायन का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिकतर जमीन का बैनामा हो गया है, जबकि कुछ जमीन का बैनामा शेष है, जिसमें लगभग 5% जमीन ऐसी है जिनके किसानों की मुआवजे संबंधी अलग अलग मांगे हैं। बैनामी के लिए शासन से धनराशि मांगी गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।